हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सीसेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे रेशियो के, और साथ साथ में जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सभी ने साथ साथ सोल्व भी करने की कोशिश करनी है कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पा रहे हो। रेशियो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेशियो का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप ये कहिए कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं लाइक टाइम एंड वर्क हो गया आपके पास में, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जिसके अंदर रेशियो का कंसेप्ट बीच में यूज़ होता है, लाइक DIs हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी रेशियो का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो, तो आप ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, तो सभी ने साथ में सॉल्व करना है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे रेशियो के। आने चाहिए आप लोगों को क्वेश्चंस। ओके, अगर नहीं आते इन दैट केस फिर आपको ज़रूरत है रेशियो को बिल्कुल बेसिक से सीखने की। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं रेशियो के, सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके पास में रेशियो गिवन है, तो जब भी आपके पास में रेशियो गिवन होती है दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज द रिलेटिव वैल्यू। ओके, अब जैसे यहीं पे क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है सो दैट कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, इस सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन 5:2:4:3। मीन्स कि अगर आपके पास में रेशियो गिवन है, जैसे यहाँ पे है, क्या कह रहे हैं कि 5:2:4:3 इसके अंदर है, दैट मीन्स व्हाट कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, सभी के साथ में किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट मीन्स कि आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज 5x, दिस इज 2x, दिस इज 4x, दिस इज 3x, और हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी ये सारा जो टोटल है ये अपने पास में कितना है, दिस इज 5 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट एंड 3 यूनिट, तो कितना हो गया आपके पास में, 14 यूनिट्स हो गया। ओके, इट डिपेंड्स कि आपने x करके करना है, वैसे तो एक कॉन्स्टेंट ही होता है बेटा, ठीक है ना, कोई भी आप कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्स्टेंट शो करने की जरूरत है या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा, इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, सी को डी से कितना ज्यादा मिला है, 1000, दैट मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास में गिवन है कितना, 1000, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 1000 हो गई। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द बी शेयर, अब b क्या था हमारे पास में, 2x, दैट मींस कि 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2000। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे क्या हमें x की जरूरत थी, क्या हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे, जैसे ही मुझे यहाँ से रेशियो मिली 5:2:4:3, दैट मीन्स कि मेरे पास में ये रिलेटिव वैल्यू है। ओके, और हमें गिवन क्या है, जब भी ऐसे रेशियोज गिवन है तो साथ में ये चेक करो कि मुझे गिवन क्या है। अगर मुझे टोटल गिवन है दैट मीन्स कि इन सभी का हम टोटल करके उसको टोटल के इक्वल पुट कर देंगे और एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंस गिवन है तो जिनका भी डिफरेंस गिवन है उनको हम डिफरेंस के इक्वल पुट कर देंगे। अगर किसी पर्टिकुलर की वैल्यू गिवन है तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल उसको पुट कर दोगे। ओके, देखो कैसे, अब जैसे यहाँ पे उसने क्या कहा, सी डी का डिफरेंस, सी डी दैट मीन्स कि ये इन दोनों का डिफरेंस है 1, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 1000, दैट मीन्स कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000, तो 2 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे बेटे, 2000। देखो कितना इजीली हो जाएगा, पॉइंट क्लियर। अब यहीं पे अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन होता कि बताओ टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है, फिर कैसे फाइंड आउट करते टोटल मनी, दैट मीन्स कि सभी का टोटल कर देते। अगर टोटल आपसे पूछा जाता दैट मीन्स कितना हो गया, 7 और 7 14, तो 14 इज इक्वल टू कितना हो जाता, 14000। अब यहीं पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की अमाउंट के बीच का डिफरेंस, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3, और जो हमारी 1 की वैल्यू है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता, 3000। पॉइंट इज क्लियर,
मीन्स कि अगर आपके पास में रेशियो गिवन है और उसके साथ में कोई भी वैल्यू गिवन है, मीन्स कि कहीं पे चाहे उसका डिफरेंस गिवन है, चाहे आपके पास टोटल गिवन है या किसी पर्टिकुलर सिंगल की वैल्यू गिवन है, तो आप वन यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। और जो आपके क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उसके लिए क्या करोगे, उस वन के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, आई होप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि हमारे पास सिंगल सिंगल रेशियो गिवन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने किया तो यहाँ पे आपके पास कंबाइंड रेशियो गिवन थी ए बी सी डी की, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके पास कंबाइंड रेशियो नहीं होती, आपको सिंगल सिंगल रेशियो है, मीन्स कि टू टू के बीच की रेशियो आपके पास गिवन है और आपको कंबाइंड रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ती है। ओके, तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे रेशियो। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3। फर्स्ट और सेकंड की रेशियो गिवन है आपके पास एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 5:8। सेकंड और थर्ड की रेशियो गिवन है, दैट मींस कि कलेक्टिव कंबाइंड रेशियो हमारे पास में नहीं है। क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब तक हमारे पास में कलेक्टिव रेशियो नहीं आएगी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसमें ध्यान रखो कि गिवन क्या है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड की रेशियो क्या है, 2:3। उसके बाद में क्या कह रहा है, सेकंड एंड थर्ड की रेशियो क्या है, 5:8। अब यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है कि जो बीच में हमने जो वैल्यू लेनी है ना, वो बेटा कॉमन होनी चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड था तो बीच में कॉमन वाली ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके दो तरीके, एक तो आप इस तरह से एन की शेप में कर लो, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और उसको इसके साथ में, तो आपके पास में कलेक्टिव रेशियो आ जाएगी। पर इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कई बार ये 3 की फॉर्म में, कई बार 4 की फॉर्म में आ जाता है, कई बार 5 की फॉर्म में आ जाता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सिंपल वे बताती हूँ कि कैसे करना। अब हमने जब कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे देखो 2:3, अब यहाँ पे स्पेस खाली है तो इसको इधर शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें इधर स्पेस खाली है, इसको इधर ले ले। अब उसके बाद में देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 15 और ये हो गया हमारे पास 24। अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अगर कैंसिल आउट नहीं होती तो डायरेक्ट आपके पास में रेशियो क्या आ गई, 10:15:24। सिंपल। अब देखो आपके पास गिवन क्या है, मैंने क्या बताया, जो गिवन है उसको चेक करो। गिवन क्या है, 98, और ये 98 क्या है, दिस इज सम ऑफ थ्री नंबर्स। क्या है, सम ऑफ थ्री नंबर्स। जैसे उसने कहा सम, तो हम क्या करेंगे, अपनी रेशियो का सम निकाल लेंगे। अब यहां से अगर हम सम निकालते हैं तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास 25, दैट मीन्स कि 49 हो गया, 49 यूनिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, 49 यूनिट्स क्या किया, 10 प्लस 15 25 25 प्लस 24 49। ओके, 49 यूनिट्स किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, 98 के। दैट मींस कि वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो निकाल लो। क्या कह रहा है, फाइंड द सेकंड नंबर। अब सेकंड क्या है, ये 15 के इक्वल है, 15, 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो गया आपके पास में, 30। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 30। अब ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन क्या आ जाए एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो हम क्या कर सकते थे, दोनों का डिफरेंस निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वेश्चन आ जाता थर्ड नंबर फाइंड आउट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन सभी को क्या करना है, हमने, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, जो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो में उसको 1 यूनिट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कितना आ गया अपने पास में, ये हो गया 48, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो गया बेटा, 20। क्लियर, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, बट कंसेप्ट को समझो। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हाँ ये होगा आपके पास में कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 34, थर्ड नंबर इज इक्वल टू 48। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाँ जी फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू,
कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स कि हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी है 30, दैट मीन्स कि तो रॉन्ग हो गया, हम क्या कहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। तो कंसेप्ट तो बेटा मस्ट है, कंसेप्ट मस्ट है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करने सभी ने, एक बार सभी ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करो। देखिए क्या है, रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 and 2 इज 8:5, दैट बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड एंड थर्ड 3:4, उसके बाद क्या कह रहा है दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ 7:8, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट सेकेंड एंड थर्ड इज 33। अब एक कहीं ना कहीं मेरे पास नंबर गिवन होगा, ठीक है ना, तो ये मेरे पास गिवन है, कह रहा है कि बताओ क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड, थर्ड क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अलग अलग रेशियोज गिवन है, अलग अलग रेशियोज गिवन है। अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पहले कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करोगे, पहले क्या करोगे कलेक्टिव, जल्दी से सभी कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करो, पहले कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करो किसकी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अभी मैंने मेथड बताया आपको कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करने का, कैसे करेंगे देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड 8:5, सेकेंड एंड थर्ड 3:4 है बेटा, 5 नहीं है, ठीक है, एंड दैट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ 7:8। अब कलेक्टिव कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी मैंने क्या बताया, सबसे इजी वे है क्या करो कि जिस साइड पे जो रिमेनिंग पार्ट खाली बचा हुआ है वहां पे उसको आगे नोट डाउन कर लो। देख कैसे, जैसे 5 है, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये वाला स्पेस भी खाली है, तो यहाँ चेक करो क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे भी 5 लिख देती हूँ, ओके। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो, इस वाली लाइन में अगर मैं देखती हूँ तो इधर भी खाली है, तो इधर इसको ले आओ, ठीक है, इधर खाली है तो इसको इधर ले आओ, मीन्स जिस साइड जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको उसी साइड लिख लो, ओके। अब यहाँ पे 7 है, इधर ये दोनों स्पेस खाली है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 7 लिख लो, यहाँ पे भी 7 लिख लो। अब जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कर दो कैंसिल आउट, जो वैल्यूज कैंसिल आउट नहीं होती, ठीक है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम कैंसिल आउट कर सके, तो अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 7 21 21 8 168, 7 21 21 5 105, 4 5 20 20 7 140, 4 5 20 और 160, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि रेशियो क्या आ गया हमारे पास में, ये हमारे कलेक्टिव रेशियो आ गया, इजी है। अभी मैं आपको करवा रही हूँ तो धीरे धीरे हो रहा है, अदरवाइज जब खुद से करोगे ना बहुत फास्ट ट्रैक पे कर लोगे आप। अब यहाँ पे देखिए, अब इतना होने के बाद में क्या चेक करना है कि मेरे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गिवन क्या है मेरे पास में, यहाँ पे वैल्यू है 33, और ये क्या है 33, चेक करो क्या कह रहा है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट इन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड ये है, ठीक है, फोर्थ ये है, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना है, 160 - 105, कितना डिफरेंस हुआ, 55 का डिफरेंस हुआ, दैट मीन्स कि जो 55 यूनिट्स हैं आपके पास में दैट इज इक्वल टू 33, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्या कहा है उसने कि जो 55 यूनिट्स, उसने क्या कहा, दोनों का डिफरेंस, मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है, वो किसके इक्वल गिवन है, 33 के इक्वल गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, 33/55। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड। अब थर्ड में देखो कितनी वैल्यू, 140, तो 140 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 140 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 33/55 × 140, दिस इज 35, दैट मीन्स 84, ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 84 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो, माइनर सा, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बिल्कुल सिंपल वे से मैं बता रही हूँ, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, अगर समझ आ गया है तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर समझ नहीं आया है या किसी दूसरे को समझा रहे उस टाइम तो लिखना पड़ेगा, बट अगर खुद से करोगे और कंसेप्ट आपका क्लियर है डायरेक्टली आंसर करोगे आप, ओके क्लियर है ये वाला पॉइंट, ओके। तो कलेक्टिव रेशियो सभी को फाइंड आउट करनी आ गई है, डन। अब हम आते हैं सेकंड टाइप जो है, वो टाइप क्या कहती है कि आपके पास में जब रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है आपके पास ए रेशियो बी, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बाई बी,
दैट मीन्स कि हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर? अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आपके पास में, कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3. भाई ए और बी दो पर्सन है, उनकी इनकम की रेशियो कितनी है? 2:3. ओके, और साथ में क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:5. एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है? 3:5. अब देखो, इनकम से एक्सपेंडिचर की रेशियो आ रही है, दैट मींस कि जितनी भी इनकम हुई, अगर मैं उसके अंदर से मेरी सेविंग को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर. तो ये रेशियो कैसे आई? जब उसने उसको सेविंग को माइनस किया. बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच सेव 2000 रुपीज. भाई दोनों इक्वल वैल्यू सेव कर रहे हैं. अगर दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम उस तरह से करेंगे, दोनों सेम वैल्यू सेव कर रहे हैं. कितनी सेव कर रहे हैं? 2000. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये यूपीएससी की फेवरेट टाइप है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो मैं इसको आपको तीन तरीके से बताती हूँ. ओके, जो आपको लगे ना कि इजी लग रहा है मुझे, वो वाला चूज कर लो. ऐसे टाइप बार बार एग्जाम के अंदर आती है. देखिए, एक तो ये हो गया कि जब मेरे पास में सेविंग जो है वो सेम है, ठीक है, और इनकम से एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पहले दो नंबर्स की रेशियो गिवन है, उसमें से कुछ माइनस कर दिया, सेम वैल्यू दोनों में माइनस करी तो नई रेशियो बन गई. या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में एक ओल्ड रेशियो गिवन है, उसमें मैंने दोनों में कुछ ऐड कर दिया तो मेरे पास नई रेशियो बन गई. मीन्स कि इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 2000 दोनों के लिए. तो उस केस में अपने पास ट्रिक क्या कहती है कि भाई एक ही इनकम फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी इनकम फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू जितनी भी हमारे पास में सेविंग है इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस. कितना आ गया बेटा? 10 - 9 = 1. कितना आंसर आ गया? 8000. आंसर कितना आ गया? 8000. सिंपल समझ आ गया. एक तो ये वाला था. दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है कि अगर मान लो मैं कहती हूं कि मेरे पास में जो इनकम है वो कितनी है? 2:3. दैट मीन्स कि कितनी है? 2x and 3x. किसकी? ए एंड बी की. एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है मेरे पास? 3:5. दैट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं? 3y and 5y. ओके, और सेविंग कितनी है आपके पास में? 2000 है ना? हाँ, 2000 है. ओके, तो अब देखो सेविंग कैसे निकलेगी. पहली इक्वेशन आपके पास बन गई बेटा 2x - 3y = 2000. दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई 3x - 5y = 2000. ओके, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. अब ये देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया ना, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया. एक ये वाला मेथड है. ओके, जो तीसरा मेथड है, तीसरा जो मेथड है वो क्या कहते हैं, तीसरा मेथड क्या कहते हैं कि जब हमारे पास में इनकम गिवन है तो उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ. दैट मीन्स कि जो ए बाई बी लिख सकते हैं, तो ए और बी की इनकम कितनी है? 2x / 3x में इसको लिख सकते हैं, 2x / 3x हम इसको लिख सकते हैं. अब उसने क्या कहा, सेविंग को माइनस करा तो क्या आ गई? नई रेशियो आ गई. सेविंग कितनी है? 2000. मैं कहती हूँ इसके अंदर से भी 2000 माइनस कर देती हूँ और इसके अंदर से भी 2000 माइनस कर देती हूँ, तो न्यू रेशियो कितनी बन के आ गई आपके पास में? 3:5. ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर 10x - 1000 = 9x - 6000. ओके, तो कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई आपके पास 4000. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a की कितनी है? 2x. तो a की कितनी होगी आपके पास? 8000. डन. तो आपके पास में तीन मेथड है, जोन सा मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो. ओके, अब ये वाला जो मेथड है ना बेटा, ये वाला, इसको मैंने इसलिए सॉल्व किया कि ये कॉमन मेथड है. अब इसमें देखो क्या है,
यहाँ पे सेविंग सेम होनी चाहिए। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए कि ए तो 2000 रुपीज सेव करता है बट बी तो 3000 रुपीज सेव करता है, तो उस केस के अंदर ये वाला मेथड ही काम नहीं करेगा, ये या फिर ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। सिंपल क्या करते हैं, वहां पे 2000 ले लेते, यहाँ पे आप 3000 ले लेते। ओके, तो ये वाला मेथड तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। इस पे बेस्ड मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस माइनस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डन, अब देखो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:5। टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:5। अब कहते हैं इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड थ्री इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, देयर रेशियो बिकम 3:2। मीन्स की जो पुरानी रेशियो उसमें से हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं और हमारे पास में नई रेशियो जनरेट हो रही है। अब क्या करोगे? हाँ जी, अब क्या करेंगे हम? देखिए, मैंने अभी क्या बताया, रेशियो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया 7x, ये क्या हो गया आपके पास 5x। अब उसने क्या कहा कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर, तो नई रेशियो क्या जनरेट हो गई आपके पास 3:2। क्या आ गया आपके पास 3:2। You will solve this. Solve करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 14x-2 is equal to 15x-9, that means x is equal to 7. X की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 7 आ गई। अब देखो क्या फाइंड आउट करना, वट इज द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या था 5x, सेकेंड नंबर क्या आ गया इधर ना हमारे पास 5x, 7 × 5 that means 35। ओके, हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे सभी, कर लेंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था, देखो इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देते हैं एग्जाम के अंदर। कहते हैं कि मेरे पास मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का इन द रेशियो ऑफ 7:, यहाँ पे नंबर की जगह क्या आ गया आपके पास मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो दिस, इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज removed and 3 liter of water is added, इस तरह से कुछ आ सकता है, या फिर 2 liter of water is added, 3 liter of milk is added, then new ratio become this, then find out the initial value of milk, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब वो कैसे करोगे, यही है सिंपल मेथड, क्या करोगे उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, अगर ऐड करने के लिए कहता है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आई थिंक ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे सभी। देखो बॉय गर्ल के ऊपर भी आ जाता है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास इज 13:8, इफ 50 बॉयज लीव द क्लास एंड 50 गर्ल्स एंटर द क्लास देन देयर रेशियो विल बी 4:3। तो नई रेशियो क्या जनरेट हो रही है आपके पास में 4:3 जनरेट हो रही है। फाइंड द फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो क्या है 13:8, दैट मीन्स 13x 8x, क्या क्या है 50 बॉयज लीव मतलब चल के चले गए, एंटर दैट मीन्स की प्लस एंड न्यू रेशियो इज 4:3। यू विल सॉल्व बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द आंसर। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब यहाँ पे भी ध्यान रखो, यहाँ पे उसने क्या कहा फाइनल नंबर, फाइनल नंबर आफ्टर एडिशन आपको बताना है। देखो कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू हो गया 32x + 200। ओके, इधर आ गया ये बेटा हो गया 7, ये कितना हो गया आपके पास में 350, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, कितनी है ये है 8 से करेंगे कितना हो गया आपके 8×5=40, दैट मीन्स 450। ओके, सो योर आंसर विल बी 450। डन, जीरो नहीं है बेटा ये 5 है, दिस इज 5। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई होप सभी कर लेंगे सभी। अब देखो दूसरी टाइप करेंगे, क्या है, अब रुपए पैसे पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, रुपए पैसे पे क्वेश्चन आ जाता है। अब उसका भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में रुपीज पैसे कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है
तो क्या कितने कॉइन्स को मिला के रुपी बन रहा है, और हमारे पास में गिवन क्या है, रुपीज में वैल्यू गिवन है या फिर मेरे पास में कॉइन्स में वैल्यू गिवन है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे क्या कह रहे हैं, ए बैग हैज 46 रुपीज इन फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे, 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग, बैग में 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें तो ये कितना हो गया हमारे पास में एक्स, 2x एंड 3x। अब ये क्या है बेटा, कॉइन्स है आपके पास में, क्या है ये कॉइन्स है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है रुपीज के अंदर, तो अगर मैं इसको रुपीज के अंदर कन्वर्ट करती हूँ तो कितने आएंगे, एक एक रुपए का एक कॉइन, तो एक्स के अंदर कितने रुपए बन गए, एक्स बन गए, ठीक है। 50 पैसे, 2 50 पैसे लगाएंगे तभी एक रुपए बनेगा, कितने हो गए हमारे पास में 2x/2, ओके। अब उसके बाद में तीसरा क्या है आपके पास पॉइंट, 10 10 पैसे, कितने 10 10 के पैसे बनेंगे कि एक रुपया बनेगा, 10 होंगे तभी बनेगा, दैट मीन्स कि 3x/10, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपके पास, 46 के इक्वल है, 46 के इक्वल है, तो कितना हो गया आपके पास 2x+3x/10, कितना हो गया बेटा 20x+3x = 46 × 10, दैट मीन्स दिस इज 23x, इसको कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 20। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे 2x, दैट मीन्स कि 2 × 20 40 कॉइन्स, ओ 50 पैसे, क्लियर। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, अब वो कॉइन्स के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, इन्हें पार्क देयर रैबिट्स एंड पिजन इन द रेशियो 4:7, इन दैट केस इफ लेग्स आर काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 300। अब रैबिट है और पिजन है, किस रेशियो में, 4:7, मुझे पता भाई ये कितना हो गया 4x और ये कितना हो गया 7x। अब गिवन क्या है, मेन पॉइंट जो आता वो है कि मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे पास में, लेग्स गिवन है, तो हमें सारा डाटा लेग्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, रैबिट 4 legs, पिजन 2 legs, दैट मीन्स वट कि हमारे पास में लेग्स कितनी होगी, 4x रैबिट की कितनी लेग्स, 8x legs, और पिजन की कितनी, हाँ जी 7x है, पिजन 2 2 legs, तो कितनी होगी आपके पास में 14x, और कितना गिवन है आपके पास 300, ठीक है, कितना गिवन है आपके पास में 300 लेग्स गिवन है, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, हाँ जी रैबिट्स, एक सेकेंड बेटा, रैबिट्स की 4 legs, तो इसको कितना करेंगे 16 हो गया ना, 4 × 16 कितना हो गया 16 हो गया, 2 legs थोड़ी ना होती है, जितने भी एनिमल्स है 4 legs, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, पिजन की 2 legs, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो कितना हो गया आपके पास 30x की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 100। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स कितने हैं, रैबिट्स कितने हैं आपके पास में, दीज आर पिजन्स, दीज आर रैबिट्स, 4x, तो 4x की वैल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास में, हाँ दिस विल बी 10, ओके 300 को बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 ही बनेगा ना, तो कितना आ गया आपके पास में 10 × 4, दैट मीन्स 40, सो योर आंसर विल बी 40, कितना आ गया 40 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। कोई इसके अंदर डाउट, आई होप सभी को क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, द प्राइस ऑफ डायमंड, ये डायमंड वाली जो टाइप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रैक्टिस कर लेना उसके, क्या है द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मान लो मेरे पास में 2 gram का डायमंड है, ठीक है, तो जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है उसकी स्क्वायर के अंदर है, कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, जो भी यूनिट्स गिवन है आपके पास में, अब यहाँ पे तो यूनिट्स का गिवन नहीं है, सिंपल है कि अगर ये 2 है तो कॉस्ट कितनी होगी उसकी स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है, अगर ये 5 है वेट
तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्लियर? तो ये यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट। ये एक छोटा सा पॉइंट कहा है इसने। ओके, अब आगे क्या है, ए पर्सन ब्रोक द डायमंड इन थ्री पीसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड सोल्ड द एट द लॉस ऑफ 18800। कह रहा है कि अगर उसको तोड़ दिया उसने तीन टुकड़ों के अंदर, तो उसको लॉस हो रहा है कितने रुपए का, इतने का। देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच ब्रोकन डायमंड, तो कह रहा है जो सभी के प्राइस आपको फाइंड आउट करना। अब देखिए बेटा, अगर हम ये कहें कि जो टोटल कॉस्ट जो डायमंड है एक्चुअल वो कितना है, हाँ जी इसके हम रेशियो के इक्वल टोटल में ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो कितना हो गया, हमने कह दिया कि भाई 12x, ठीक है। अगर ये 12x है तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, कॉस्ट कितनी है इसके स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 12x का होल स्क्वायर, दैट मींस कि 144x स्क्वायर होगी। अब उसको तोड़ दिया तीन पीस के अंदर 3:4:5, तो दैट मींस कि जो वेट है वो कितना हो गया 3x 4x एंड 5x। अब जब रेशियो है तो रेशियो के अंदर हम क्या करेंगे, x कंसीडर करके हमने एक्चुअल वेट ले लिया, तो इसका जो प्राइस है, प्राइस कितना हो जाएगा इसका, इसके स्क्वायर के इक्वल दैट मींस कि 9x स्क्वायर, इसका इसके स्क्वायर के इक्वल दैट मींस कि 16x स्क्वायर एंड दिस इज 25x स्क्वायर, कितना हो गया आपके पास में 50x स्क्वायर। पहले जो एक्चुअल डायमंड था उसका प्राइस कितना था, उसकी कॉस्ट कितनी थी आपके पास में 144x स्क्वायर। अब जो आपके पास में जो ब्रोकन डायमंड है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन के आ रही है 50x स्क्वायर, दैट मींस कि कितने का लॉस हो गया, दोनों के डिफरेंस के इक्वल, तो लॉस कितना हो गया 144 - 50, कितना हो गया बेटा ये आपके पास में, हाँ जी दिस इज 92, इसमें से 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया बेटा 4 से, हाँ जी 94x स्क्वायर का लॉस हो गया। और आपके क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 18800 के इक्वल गिवन है, 18800, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 200 आ गई, कितने आ गए 200 आ गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ ब्रोकन डायमंड। अब ब्रोकन डायमंड ये है प्राइस, दैट मींस की एक्चुअल प्राइस क्या आ गया इनका, एक्स स्क्वायर है अपने पास में, सॉरी ये दिस इज वेट, दिस इज वेट, दिस इज प्राइस, दिस इज द प्राइस। ओके, ये तो वेट था, ये क्या है प्राइस, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 200, तो पहले इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, ये सारा मैं यहां पे लेके आ रही हूं, 9 × x² 18, 16 × x² 32, 25 × x² कितना हो गया 25 × 50। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 18, 32 एंड 5000। पॉइंट इज क्लियर? हाँ, अगर यहीं पे आपके पास में वेट पूछ लिया जाता तो वेट क्या हो जाता, वेट बेटा ये है, ठीक है, प्राइस ये है। देन कोई इसके अंदर डाउट, सिंपल था। यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्यूब में भी आ जाता क्वेश्चन, कॉस्ट क्यूब के इक्वल, तो वहां पे क्या करेंगे इनका क्यूब कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ एज अप टू 16, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए ना स्टेटमेंट में कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉयज अप टू 16 ईयर्स टू दोज ऑफ ओवर 16 ईयर वाज 8:5, एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो बिकम 6:7 एज 40 बॉयज हैड रीच्ड 8:16 ईयर बाय देन, 16 से वो ऊपर चले गए इसकी वजह से, ठीक है। साथ में क्या कहें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, नो बॉय लेफ्ट, नो न्यू एडमिशन, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉयज लेफ्ट
लेस देन इक्वल टू 16 और बॉयज क्या कह रहा है ग्रेटर देन 16 की रेशियो कितनी है 8:5 दैट मीन दिस इज 8x एंड दिस इज 5x. अब उसने क्या कहा कि 40 जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ गए. अब जो 40 स्टूडेंट्स थे जो इस रेंज में थे 16 से कम वाले वो क्या हो गए उनकी एज बढ़ गई अगले साल तो वो क्या हो गए नीचे वाले रेंज में आ गए. तो इसमें से 40 कम हो गया बेटा और इसके अंदर 40 ऐड हो गया. ओके तो न्यू रेशियो आपके पास में क्या बन गई है 6:7. ओके अब तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे तो इसको कैलकुलेट करना और इसका आंसर करना कर लोगे या मैं करूँ कर लीजिए तो सिंपल सा ही हो गया ये 8 × 7 = 56x. ओके हाँ जी ये वैल्यू इधर आई तो ये हो गया आपके पास में 26x इज इक्वल टू ये हो गया 8 × 4 = 12 × 4 = 5 एक्स की वैल्यू हो गई 26 × 52 = 20. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं टोटल कितने 8 × 5 = 13 13x तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 260. सो योर आंसर विल बी 260. क्लियर कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. सभी ने इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली. अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी इस तरह के बेसिक्स आप लोगों के क्लियर हैं तो एन वेल एंड गुड. अदरवाइज आप रेशियो को बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाके. कहाँ पे जाओगे माइक्रो कोर्सेज के अंदर. जिन स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इश्यू आ रहा है दे कैन टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओनली. जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अभी मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग तो इजी है मैं कर लूंगी बट मुझे क्वांट में दिक्कत आ रही है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं. जिनको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है लॉजिकल रीजनिंग आप ले सकते हो. जिनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है वो ले सकते हो. और टेस्ट सीरीज तो बेटा सभी के लिए जरूरी है तो टेस्ट सीरीज को सभी ने ज्वाइन करना है. टेस्ट सीरीज सभी ने ज्वाइन करनी है. ओके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सभी का क्वांट लॉजिकल रीजनिंग ये इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. एक और पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जैसे अभी हमने रेशियो किया कि रेशियो मैडम बिल्कुल बेसिक से हमने हाई लेवल तक का करना है तो उस केस के अंदर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो और उसके लिए आपको कहाँ जाना है माइक्रो कोर्सेज में जाना है. कहाँ जाना है माइक्रो कोर्सेज में. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है माइक्रो कोर्सेज का तो वहां से आप जा सकते हो. ओके सो एक बार सभी एक्सप्लोर जरूर करेंगे डिस्क्रिप्शन को. सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.